Good morning, class 3. Today we will study lesson 35, famous musicians. यानी कुछ हमारे जो संगीतकार हैं जो बहुत famous हैं, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है musician होके music की दुनिया में, तो हम कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे. A person who plays a musical instrument is called a musician. यानी एक ऐसा person जो musical instruments बजाता है. जैसे music के कई सारे instruments होते हैं ना, जब singing होती है तो tabla बजाते हैं, piano बजाते हैं, ठीक है, flute बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, तो कई सारे instruments होते हैं ना जो singing में बजाए जाते हैं. तो जो musical instruments जो लोग वो बजाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको musician बोलते हैं, संगीतकार बोलते हैं. मैच दीज ग्रेट इंडियन म्यूजिशियंस, ये कुछ इंडियन म्यूजिशियंस आपको नीचे दिए हुए हैं, इनको इनके इंस्ट्रूमेंट्स से मैच करना है, ओके, दैट दे प्ले, जो ये बजाते हैं. एंड राइट द नेम्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट्स के नेम भी लिखने हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. सो नाउ कम ऑन नंबर वन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फिल दिस कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले हम इसको भरते हैं. ओके, सी नंबर वन, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. ये इंस्ट्रूमेंट देखा होगा ना आप लोगों ने, ये आमतौर पे हर जगह पाया जाता है, जैसे कि जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके पास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है. ये कौन सा है, तबला, PABLA. नंबर बी, ये देखो ये क्या है, फ्लूट, FLUTE, यानी बांसुरी. सुना होगा ना म्यूजिक्स वगैरह में बांसुरी की धुन बजती रहती है, तो किसके द्वारा बजाई जाती है, फ्लूट के द्वारा. नंबर सी, इसको क्या बोलते हैं, संतूर, SANTOOR. फिर नेक्स्ट नंबर डी, ये आप लोगों ने देखी होगी है ना, इसको क्या बोलते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड शहनाई, SHEHNAI. नंबर ई, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सितार, SITAR. ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर एफ, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सरोद, SAROD. नाउ सी दीज नेम्स, दीज आर द म्यूजिशियंस, ये म्यूजिशियंस हैं जो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं. अब हम बताएंगे कि कौन सा म्यूजिशियन कौन सी इंस्ट्रूमेंट बजाता है. ओके, यू विल मैच दीज, हम मैच करेंगे इन्हें. नाउ सी नंबर वन, उस्ताद अमजद अली खान. उस्ताद अमजद अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सरोद, SAROD. नंबर टू, पंडित हरी प्रसाद चौरसिया. पंडित हरी प्रसाद चौरसिया, देखो इन्होंने फ्लूट ले भी रखी है हाथों में, ये फ्लूट बजा भी रहे हैं, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, फ्लूट. नंबर थ्री, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये नेम तो आप सबने सुना होगा है ना, बहुत फेमस नेम है. उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तबला. नंबर फोर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान. बिस्मिल्ला खान का भी नाम सुना होगा, ये भी बहुत फेमस है अपनी शहनाई बजाने के लिए, ये भी जाने जाते हैं. तो व्हाट डज, विच इंस्ट्रूमेंट डज ही प्ले, शहनाई. नंबर फाइव, पंडित रवि शंकर. पंडित रवि शंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सितार. नंबर सिक्स, पंडित शिव कुमार शर्मा. पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, संतूर. ठीक है, नाउ कम ऑन नोज बेस्ट. यहाँ पे कह रहा है नोज बेस्ट में कि द रियल नेम ऑफ पंडित रवि शंकर, पंडित रवि शंकर का रियल नेम, उनका असली नाम क्या है, रविंद्र शंकर चौधरी. ओके, तो कह रहा है पंडित रवि शंकर का रियल नेम क्या है, असली नाम क्या है, रविंद्र शंकर चौधरी. नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन. ओके, नाउ कम ऑन लेसन 36, शेक अ लेग. शेक यानी हिलाना, पैरों को हिलाना. ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डांस हैज इवॉल्व्ड एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स हैव टेकन फॉर्म.
क्या हो गया है कि जो डांस है वो बहुत ही ज़्यादा पूरे में फैल गया है और अलग अलग तरीके के कई सारे फॉर्म्स हो गए हैं डांसेस के, कि लोग अलग अलग तरीके के डांस कर रहे हैं और उनको एक नेम दिया गया है कि ये डांस ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है कि डांस तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, यानी मतलब स्टार्टिंग से ही होती थी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे अलग अलग तरह के डांसेस, डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ले रहे हैं, यानी अलग अलग तरीके के हैं। जैसे हिप हॉप डांसिंग है, ब्रेक डांसिंग है, हुला डांसिंग है, बेली डांसिंग है ना, तो इतनी सारी हैं, हर इंसान अलग अलग करता है। कोई हिप हॉप में एक्सपर्ट है, कोई ब्रेक डांस में एक्सपर्ट है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे आज कि कैसे डांस होते हैं। दिस पर्टिकुलर लिस्ट will discuss about the most popular dance styles from all around the world. यानी पूरी दुनिया में से जो भी जितने भी पॉपुलर डांस स्टाइल्स हैं, जाने माने डांस स्टाइल्स हैं, बहुत ही फेमस डांस स्टाइल्स हैं, तो हम आज उनके बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे उनके बारे में, जो डांसेस, जो डांस के स्टाइल्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। सो नाउ सी नंबर वन, हिप हॉप डांसिंग। हिप हॉप डांसिंग, इसको पॉपिंग भी कहा जाता है। हिप हॉप इज अ डांस स्टाइल। हिप हॉप एक ऐसा डांस स्टाइल है, यूजुअली डांस्ड टू हिप हॉप म्यूजिक दैट इवॉल्व्ड फ्रॉम द हिप हॉप कल्चर। यानी इसको हिप हॉप नाम दिया गया है, हिप हॉप म्यूजिक है, और दैट इवॉल्व्ड का मतलब क्या होता है पता है? इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित, ठीक है? तो यहाँ पे ये सेंटेंस कह रहा है कि ये जो हिप हॉप डांस स्टाइल है, ये हिप हॉप का म्यूजिक, और ये कहाँ से इसका विकास हुआ है? हिप हॉप कल्चर से। हिप डांस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ मूव एग्जीक्यूटेड क्लोज टू द ग्राउंड। यानी ये जो हिप डांस है, जो ये हिप हॉप डांस है, ये किस तरीके से किया जाता है कि इसमें जो पैर हैं उनको बिल्कुल ग्राउंड से क्लोज होके, मतलब उनको यूज़ करना होता है। कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ मूव्स, इसमें मूव्स करने होते हैं एग्जीक्यूटेड क्लोज टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड, जैसे देखो ये आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये क्या कर रहा है, इस तरीके की हिप हॉप डांसिंग होती है, ओके? यानी कि पैरों का यूज इस तरीके से करना है कि वो ग्राउंड के क्लोज ही रहें, ग्राउंड के पास ही रहें। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एग्जीक्यूटेड का मतलब ये कह रहा है कि निष्पादन करना, यानी ये जो ये कह रहा है कि प्राइमरली ऑफ मूव्स एग्जीक्यूटेड क्लोज टू द ग्राउंड, यानी मुख्य रूप से जो चाल है हमारी, जो हमारा मूवमेंट है, उसका निष्पादन किया जाए कि वो बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज में रहे। ये इस तरह का डांस होता है। नाउ कम ऑन नंबर टू, बॉल रूम डांसिंग। नाउ वी विल डिस्कस बॉल रूम डांसिंग, कैसी डांसिंग होती है। Ballroom dance refers to a set of partner dancers. यानी ballroom dance में partner वाला dance होता है, यानी इसमें दो लोग चाहिए dance करने के लिए, partner dance होता है ये, which are enjoyed both socially and competitively around the world. यानी जो दोनों ही चीज़ें enjoy कर सके socially और competitively पूरी दुनिया में। सोशियली का मतलब क्या होता है? समाज से रिलेटेड है ना, और कॉम्पिटेटिवली का क्या मतलब होता है? यानी प्रतिस्पर्धात्मक। अगर हम कॉम्पिटेटिवली की बात करें, यानी एक कॉम्पिटिशन की तरह प्रतिस्पर्धात्मक है पूरी दुनिया में। इट्स परफॉर्मेंस एंड एंटरटेनमेंट ऑस्पेक्ट आर ऑल्सो वाइडली इंजॉयड ऑन स्टेज। यानी जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो ये डांस है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि ये एक एंटरटेनमेंट भी है, यानी लोगों के लिए। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? मनोरंजन, ठीक है? तो ये एक मनोरंजन भी है लोगों के लिए। और ऑस्पेक्ट्स आर ऑल्सो, ऑस्पेक्ट्स का मतलब पता है क्या होता है? ऑस्पेक्ट्स मीन्स मतलब पहलू जो इसके हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। यानी लोग जो हैं, जब ये स्टेज पे परफॉर्मेंस होती है तो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, चाहे स्टेज पे हो, चाहे फिल्म में हो या टेलीविज़न में हो। ये कह रहे हैं कि लोग बॉल रूम डांसिंग को बहुत ही ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट और, ठीक है, इंजॉय करते हैं, मतलब पूरी तरीके से। एक बहुत ही फेमस डांसिंग है बॉल रूम डांसिंग। नाउ कम ऑन नेक्स्ट,
So now we will study tap dancing. Tap dancing एक dancing process है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कैसे dance किया जाता है. Tap dance is a form of dance. Tap dance एक ऐसा dance का form है characterized by a tapping sound. यानी इसमें tapping sound मतलब जो ground होता है मतलब उसको beat करना होता है कि उसमें से tapping sounds निकले मतलब आवाज आए. That is created from metal plates that are attached to both the ball and the heel of the dancer's shoe. यानी कह रहा है कि जो dancer के जूते होते हैं ना उसमें metal की plates लगी हुई होती हैं तो जिसकी वजह से जब वो ground पे लगते हैं तो वो टक 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 की आवाज आती है. ठीक है, तो टैप डांस में टैप करके ही वॉइस निकाली जाती है, उसी को टैप डांस बोलते हैं. इसमें इनके शूज में एक अलग तरीके का मेटल प्लेट लगा हुआ होता है जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होता है. दीज मेटल प्लेट्स व्हेन टैप्ड अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस. जब ये मेटल प्लेट्स यानी जब ये जूतों में मेटल प्लेट्स लगी होती है ना, तो जब ये मेटल प्लेट्स ग्राउंड पे टच करते हैं, हार्ड सरफेस पे टच करते हैं, तो क्रिएट अ परक्यूसिव साउंड, एक बहुत ही हार्ड साउंड निकालते हैं, तेज से साउंड निकालते हैं. एंड एज सच द डांसर्स आर कंसिडर्ड टू बी म्यूजिशियंस. और इसी की वजह से जो डांसर्स होते हैं वो म्यूजिशियंस में भी माहिर होते हैं, यानी उनको म्यूजिशियंस का भी वो दिया जाता है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट, ब्रेक डांसिंग. ब्रेक डांस incorporates many types of moves that can vary as widely as a breaker's imagination and athleticism will allow. मतलब कह रहा है ब्रेक डांस incorporates का मतलब होता है कि शामिल किया गया है, ब्रेक डांस को शामिल किया गया है कई तरह के मूवमेंट्स में. यानी ब्रेक डांस में जो है बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के. दैट कैन वेराई एज वाइडली एज अ ब्रेकर्स इमेजिनेशन एंड एथलेटिसिज्म विल अलाउ. यानी ये सेंटेंस कह रहा है कि जो ब्रेक डांस है इसको बहुत ही ज़्यादा जाने माने डांस में शामिल किया गया है और इसमें कई सारे वेराइटीज़ के मूव्स होते हैं, अलग अलग तरीके के मूव्स होते हैं, जो कि मतलब जिसकी इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती कि जो ब्रेकर डांसर है वो कैसे मतलब मूव्स करेगा, है ना. और ये यहाँ पे एथलेटिसिज्म का मतलब है एथलेटिक्स. ठीक है, तो ये एथलेटिक्स में भी अलाउ है, यानी एथलेटिक्स पोज भी मतलब इसमें कर सकते हैं, है ना. इसमें मतलब ऐसे टाइप्स के मूवमेंट्स हैं. द इन्वेंट्री ऑफ ब्रेक डांस मूव्स इज एक्सटेंसिव. यानी जो ब्रेक डांस की इन्वेंट्री है, इन्वेंशन है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. एक्सटेंसिव यानी बड़ा है. एंड देयर आर कॉम्पिटिशन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. और पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का कॉम्पिटिशन है. किस चीज़ का? ब्रेक डांस का. ठीक है, द बेस्ट ब्रेक डांसर दैट वी नो वॉज. और जो सबसे ज़्यादा बड़ा ब्रेक डांसर जो जिसे हम जानते थे, जिसे सब जानते थे, वो कौन थे? माइकल जैक्सन. ओके, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना. इन्हें सबसे ज़्यादा ब्रेक डांसर के उसमें माना जाता था, यानी ये ब्रेक डांसर के नाम से जाने गए पूरे वर्ल्ड में. नाउ कम ऑन पेज नंबर 49. So now we will study about hula dancing. The hip swaying hula is danced by Polynesian Islanders who settled in Hawaii. यानी ये जो डांस है ये कहाँ पे? ये एक हिप स्वेइंग हुला डांस है जो कि यहाँ के आइसलैंडर्स जो कि सेटल्ड हैं हवाई में वो लोग करते हैं. ओके, पॉलिनेशियन आइसलैंडर्स. It was banned by Christian missionaries for a while. कुछ समय के लिए ये बैन कर दिया गया, रोक लगा दी गई इस पर. किसके द्वारा? Christian missionaries के द्वारा कुछ समय के लिए इस पर रोक लगा दी गई. लेकिन but became popular again. लेकिन ये फिर से फेमस हो गया कब? In the late 19th century. 19th century में ये डांस वापस से फेमस हो गया. 1958, a craze for hula hoop swept the world. यानी जो क्रेज था, जो पागलपन था इस डांस का, सनक कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं, दीवानगी कुछ भी कह सकते हैं, कि मतलब इतना ज़्यादा लोगों के बीच में ये हुला हूप्स पॉपुलर हो गया था कि पूरा वर्ल्ड इसके बहाव में, यानी पूरी दुनिया इसके उसमें आ गई थी कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस है.
both adults and children, सभी adults और children स्वंग प्लास्टिक हुप्स, इसमें कैसे करते थे, प्लास्टिक के हुप्स यानी कुछ भी लेके ऐसे हाथों में प्लास्टिक का, और उसको क्या करते थे, राउंड देयर हिप्स, अपने हिप्स के आसपास ऐसे ऐसे लहराते थे। ये डांस आप लोगों ने देखा होगा ना, सी दिस पिक्चर, इससे आपको कुछ हिंट मिलेगी कि ये कैसा डांस है ना। इसमें हाथों में लेके जैसे चीयर गर्ल्स करती हैं ना, उस टाइप से ये डांस किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक हुप्स को लेके अपने हाथों में उसको स्वंग करती हैं यानी घुमाती हैं इधर से उधर, हिप के इधर से उधर, हुला डांस मूवमेंट में यानी इस डांस में। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, फ्लैमेंको डांसिंग। Now we will study flamenco dancing कैसी होती है। Flamenco is popular in Andalusia, Spain। यानी flamenco कहाँ पे सबसे ज़्यादा popular है, Andalusia में, जो कि Spain में है। And comes from Moorish and Gypsy dancing। और ये कहाँ से आता है, Moorish और Gypsy dancing से। इट इज़ लाइवली एंड एक्साइटिंग, यानी ये बहुत ही अच्छा है, लाइव देख सकते हो और एक्साइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक है। द डांसर्स यूजली प्ले कैस्टनेट्स, जो डांसर्स होते हैं वो कैस्टनेट्स बजाते हैं, एंड आर एकम्पनीड बाई गिटार्स, और गिटार्स के साथ मतलब मिल के क्लैपिंग और ड्रमिंग के तरीके से ये डांस करते हैं। यानी इसमें जो डांस होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। सी दिस पिक्चर, इससे आपको कुछ हिंट मिलेगी कि ये कैसा डांस है। इसमें कपल डांस होता है और मतलब इसमें जल्दी जल्दी डांस करते हैं, और जो जैसे क्लैपिंग होती है, ड्रमिंग होती है, गिटार्स वगैरह बजते हैं, तो उनकी थीम पे इनको डांस करना होता है। यानी जितनी उनकी जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उस हिसाब से इनको डांस करना होता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट, बेली डांसिंग। बेली डांस इज अ स्टाइल ऑफ डांस। बेली डांस एक ऐसा डांस का स्टाइल है दैट ओरिजिनेटेड इन द मिडिल ईस्ट, जिसका उत्पादन या जो सबसे पहले कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मिडिल ईस्ट से, स्पेशली इजिप्ट में से। इट वॉज ओरिजिनली डांस ओनली बाई वुमेन, इसे सिर्फ वुमेन्स ही डांस कर सकती थी, एंड मेन वर नॉट परमिटेड, यानी मेन्स को परमिटेड, नॉट परमिटेड यानी परमिशन नहीं थी इस डांस को देखने की, और इसको सिर्फ वुमेन्स ही कर सकती थी बेली डांसिंग को। एंड ईसेक्स वुमेन नेम्ड ईलिन फाउचर सेट अप बेली डांस रिकॉर्ड। एक ईसेक्स वुमेन जिसका नाम था ईलिन फाउचर, इन्होंने बेली डांस का एक रिकॉर्ड बनाया। शी डांस्ड फॉर 106 आवर्स, 106 घंटे के लिए इन्होंने डांस किया, 30 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक 1984 में। यानी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया बेली डांसिंग का, 106 घंटे लगातार इन्होंने डांस किया 30 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक 1984 में। ओके, सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट, नाउ वी विल नो अबाउट भांगड़ा डांसिंग। ये तो आप सबको पता ही है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डांस है ना। भांगड़ा रिफर्स टू अ डांस कमिंग फ्रॉम द पंजाब सब कॉन्टिनेंट। ये कहाँ से आया है, पंजाब से। सबसे ज़्यादा फेमस भांगड़ा डांस कहाँ पे है, पंजाब में है। इट वॉज परफॉर्म्ड टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट, बट दैट प्रैक्टिस एंडेड व्हेन द सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी इट वॉज परफॉर्म्ड टू सेलिब्रेट, ये मनाया जाता था सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है, द हार्वेस्ट, बट दैट प्रैक्टिस। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब चीज़ें ख़त्म होने लग गई, जब कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हो गए, किसमें पाकिस्तान और इंडिया जब अलग अलग हो गया है ना, तो ये सेलिब्रेट होने लगा कि इसकी प्रैक्टिस लोगों में चालू हो गई। यानी लोग जब भांगड़ा करते थे ना, तो ये हार्वेस्ट यानी फसल, यहाँ पे फसलों के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग क्यों करते थे इसको, कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग फसल का जश्न मनाते थे कि मतलब फसल अच्छी हुई। लेकिन ये जो प्रैक्टिस थी, धीरे धीरे ये जो था ये ख़त्म होने लगा। कब ख़त्म होने लगा, जब डिवीज़न हुआ हमारे इंडिया और पाकिस्तान, जब डिवाइड हो गए, तो ये डांस एक तरह से बंद हो गया, ख़त्म हो गया है ना। इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन इंडिया, और वापस से ये इंडिया में डांस आया, और एंड इट टुक इट्स करंट फॉर्म समवेयर इन द 1990s, और 1990s से मतलब करंट आया इस डांस में, यानी कि ये फेम मिलने लगा इसको, लोगों को फेम यानी
हम ये कह सकते हैं कि यानी ये डांस पॉपुलर हो गया पूरे में 1990s में। ये डांस और भी ज़्यादा अच्छा होने लगा धीरे धीरे जब ये इंडिया में आया, तो ये 1990s से फेमस होने लगा डांस। भांगड़ा इज डांस्ड टू अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर भांगड़ा, यानी भांगड़ा डांस भांगड़ा के गाने पे ही जो जोर जोर से बजते हैं उसी तरीके से ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक इसमें बजेगा तब ये डांस भांगड़ा का हो सकता है। ठीक है, एक अलग तरीके का म्यूजिक होता है, स्पेसिफिक काइंड यानी एक अलग तरीके का म्यूजिक होता है ये डांस परफॉर्म करने के लिए भांगड़ा। It is mostly very random with some very common dance moves. यानी कई कई बहुत random यानी कई सारे ऐसे dances भी हैं जिनमें कि इनके moves पाए जाते हैं, यानी जो भांगड़ा में dance होता है कई सारे ऐसे dances हैं जिनमें कि भांगड़ा के कुछ moves पाए जाते हैं। This form of dance has traveled to the western cultures as well because of a lot of movement from the subcontinent to the western countries. Yani dheere dheere ye dance kya hua phailta gaya western cultures mein aur ye matlab itna isko fame mila, itna isme movement tha ki ye subcontinents mein bhi western countries mein bhi har jagah bhangra dancing hone lagi. Okay. So now come on next lesson. Now we will study lesson 37, music world. कुछ music की दुनिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या बातें बताई गई हैं। Match the following singing forms. इन singing forms को match करना है। C number 1, गजल। गजल आप सबने सुनी होगी ना, तो गजल कैसा टाइप का सिंगिंग होती है, गजल कैसा फॉर्म होता है? एक लव थीम होती है, प्यार भरी थीम होती है। ठीक है, लव थीम में गजल गाई जाती है। कवाली, कवाली ड्रामेटाइज्ड ग्रुप सिंगिंग। ड्रामेटाइज्ड ग्रुप सिंगिंग यानी ग्रुप में सब लोग सिंग करते हैं, एक ड्रामा की तरह होती है। ठीक है, उसमें अगर ड्रामेटाइज्ड ग्रुप सिंगिंग करते हैं तो वो क्या होती है, वो कवाली होती है। सुनी होगी आप लोगों ने। नेक्स्ट नंबर 3, कीर्तन। कीर्तन कैसा टाइप का सिंगिंग फॉर्म है? डिवोशनल सॉन्ग है, यानी भक्ति भरा सॉन्ग है कीर्तन। ओके, नंबर 4, भजन। सिंगिंग टू प्रेज द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं उनको मतलब उनकी उनको थैंक यू कहने के लिए, या तो फिर कह दो कि जो उन्होंने बनाया है मतलब इतनी प्यारी दुनिया के लिए, मतलब ओवरऑल भगवान की ग्लोरी को प्रेज करने के लिए, यानी उनकी प्रशंसा करने के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी दुनिया बनाई। ठीक है, तो वो भजन होता है हमारा। तो भजन कौन सा सिंगिंग फॉर्म है? सिंग टू प्रेज द सिंग्ड, यानी मैं बोल रही हूँ, सिंगिंग टू प्रेज द ग्लोरी ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड की प्रशंसा करने के लिए भजन गाया जाता है। नाउ नीचे क्या दिया है, सी नंबर 2, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल एंड गेट द फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ डोरेमोन। यानी नीचे पजल्स दी हुई हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है। ये क्या है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक है, जो पजल दी है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, हमें उसे फिल करना है। नाउ सी दिस, डी दिया है, आर दिया है, डी दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्रुपद होगा। ये एक सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म पुराने समय का इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक है, डी एच आर यू पी ए डी, यहाँ पे जितने भी म्यूजिक दिए हुए हैं ये सब पुराने टाइम के ओल्डेस्ट फॉर्म के सब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स हैं, ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा, ख्याल, तराना। ओके, ये सारे क्या हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक्स हैं। डी एच आर यू पी ए डी, टी एच यू एम आर आई ठुमरी, टी ए डबल पी ए तापा, के एच ए वाई ए एल ख्याल, टी ए आर ए एन ए तराना। ओके, सो फिल इट इन योर बुक। Now come on, nose best. So nose best says कि ध्रुपद एंड ख्याल आर द टू फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। ध्रुपद और ख्याल ये दो फॉर्म है किसके, क्लासिकल सिंगिंग के दो हिस्से हैं ध्रुपद और ख्याल, जो कि दैट एग्जिस्ट टुडे, जो आज हैं, कहाँ पे हैं, नॉर्थ इंडिया में हैं। ठीक है, जो आज नॉर्थ इंडिया में भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के रूप में जाने जाते हैं, गाए जाते हैं। ठीक है, सो नाउ क्लास 3,
your book up to page number 50 is completed. Complete it on time. Bring it to school for checking. And please don't do any mistakes in writing words. Okay, write carefully and then submit it in school. Okay, thank you, class.